बच्चे भाग नहीं ले रहे हैं, तो वो प्रश्न होते हैं कि हमें इनके लिए भागना चाहिए और आगे चल के जो है बहुत सारे जो महाविद्यालय हैं पीजी करेंगे तो वहाँ पर नहीं। ये हमारे महाविद्यालय में ही प्रतियोगिता हो रही है और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए है। हमेशा पढ़ते रहते हैं तो उनके बुद्धि की भी आवश्यकता है, तो उनका पूरा का पूरा सर्वांगीण विकास होता है प्रतियोगिता के जरिए और बच्चों में प्रतियोगिता की भावना। प्रशासनिक अधिकारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आती है जो शिक्षा का ही एक पार्ट है, इससे छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है, उनमें सहभागिता का विकास होता है, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावनाएं आती है। मैं बीएससी फाइनल ईयर की छात्रा हूँ और मैं रघुवीर सिंह राजकीय महाविद्यालय ललितपुर में पढ़ती हूँ और मैं पाली तहसील पाली से बिलोंग करती हूँ और खेल से मैंने बहुत सारी मतलब उपलब्धियाँ भी प्राप्त की हैं क्योंकि पिछली बार मैं चैंपियन भी थी और हर एक स्टूडेंट को चाहिए कि वो खेल में आगे रहे क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चा पढ़ाई में आगे, तो किसी को पढ़ाई में और किसी को हर एक फील्ड में आगे होना चाहिए तभी तो हमारा देश डेवलप होगा। इस तरह के आयोजन से हमें जो प्रेरणा मिलती है कि हमारे देश में अनेक प्रकार के खेल होते हैं, एथलेटिक्स एक इस प्रकार की गेम से हमारे लिए मतलब एक अच्छे से अपने शरीर का विकास हो सकता है, ठीक है। और जो भी है कि हमारे जो कोई बच्चे खेलते नहीं है घर पे, आजकल शहरों में माँ बाप बाहर नहीं जाने देते हैं खेलने के लिए, कम से कम हमारे कॉलेज के द्वारा उन बच्चों को खेलने का मौका प्राप्त होता है। मेरा नाम सोनम है, मैं स्नातकोत्तर राजकीय महाविद्यालय में पढ़ती हूँ और जैसे जिस तरीके से हमारे जीवन में पढ़ाई का महत्व है उसी तरीके से हमारे जीवन में खेल का भी महत्व होता है। हमें खेल से प्रेरणा लेनी चाहिए, ये नहीं होता है कि अगर हम जीत नहीं पा रहे हैं या किसी में हम आगे नहीं हैं तो हमें उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। पार्टिसिपेट करना बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, अगर हम उसमें पार्टिसिपेट